मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण जो बैठे हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरी माताएं बहने जो यहाँ सामने बैठी हुई है, सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और फिर जो ये छतों के ऊपर उधर सब आपने जो बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज कमाल ही कर दिया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत ही खट्टा और मीठा मौका है। आप सोचेंगे ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि मेरी स्वराज संकल्प यात्रा आज बांदीकुई में आप लोगों की ऊर्जावान इलाके के अंदर समाप्त होने जा रही है। ये मेरी आखिरी मीटिंग है। 14,500 किलोमीटर, 7 संभाग, 50 डिग्री गर्मी से लेके जोरदार बरसात, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और आज 185 मीटिंग कंप्लीट करने के बाद बांदीकुई में इसका समापन होने जा रहा है। और इसीलिए मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ी सी खुशी भी है कि हमने इसको पूरा कर लिया, और थोड़ा सा दुख भी है, ऐसा भी मन में लगता है कि इसको चालू ही रखो ताकि जनता के हम ये मौज आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा आपका ये हंसी, थोड़ी सी मजाक, इसको भी हम भी देखते और झेलते साथ में चल सके। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये बांदीकुई के अंदर ये हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बात शुरू करने से पहले 5 और 6 अगस्त के बीच की रात को जम्मू और कश्मीर के पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की इस कायरनामा हरकत से हमारे 5 जांबाज जवान मौके पर ही शहीद हो गए। इस हमले में महुआ तहसील के मंडावर गांव का, अब आप सुन लो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे लिए शहीद हुआ है, और इसीलिए आप लोगों से हंसी मजाक के ठटका नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जिसके अंदर गंभीरता पूर्वक उन लोगों के साहस को हमें दाद देना चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते हमारे लिए अपनी जान दे दी। उनकी याद हम करेंगे। राम निवास मीना था नाम उसका, जिसकी गंभीरता पूर्वक घायल हुआ। इसके इलाज के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हमने इसको भेजा गया और बहुत लंबा संघर्ष मौत से करने के बाद आज तड़के सुबह हमारे इस जानदार शहीद ये शहीद बन गया। और इस घटने से मुझे और मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी के परिवार को बहुत ज्यादा दुख है। हम पीड़ित परिवार को दुख सहन करने का और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप सबकी ओर से ये प्रार्थना उनकी ओर जाएगी। आज उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ, ये बहुत ही गंभीर मामला था। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरे 4 महीने की जो यह सफर रहा है, इस सफर के अंदर मैं जहां भी खड़ी हूँ आज आपके बांदीकुई के अंदर खड़ी हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मैं कहीं बाड़मेर में हो सकती हूँ, जोधपुर में हो सकती हूँ, कोटा, अजमेर, भरतपुर, कहीं भी हो सकती हूँ, क्योंकि जो मुसीबत मैंने पाई वहां वो मूलभूत सुविधाओं की मुसीबत थी। और आज भी 50-55 साल के बाद राजस्थान के अंदर लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से इस कांग्रेस पार्टी ने वंचित रखा है। मैं समझती हूँ कि ऐसी पार्टी को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मेरे सामने कागज है, मैंने देखा, आज दिन भर मैं यही करते आ रही हूँ, और आज दिन भर नहीं 4 महीने रोज दिन भर यही काम करते आ रही। मैंने देखा यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमने पानी का इंतजाम तो जरूर किया था, 70 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई थी,
परंतु मानी कोई शहर के अंदर आज भी पेयजल का संकट है क्या? शहर में तीन दिन में एक बार पानी का सप्लाई होता है। सही है, कुछ वार्डों में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सप्ताह में एक बार ही पानी आता है। हमने बांध की कुएं में बांध गंगा से पानी लाने की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार बदल गई और कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम पे कोई काम नहीं किया। जैसा था वहीं उसको रोक दिया और जैसे बांदीकुई में किया, हजारों जगह यही बात करके छोड़ी है। इतने सारे लोग पानी से वंचित है। क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्या, आज तो आपके यहाँ बिजली ऐसी चल रही है जैसे दिवाली हो रही है, परंतु सही क्या है? आपको मालूम है कि इसके पीछे जनरेटर खड़ा है ना? सबको मालूम है। मैं माता बहनों से और आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान के इतिहास में पहली दफा घरेलू बिजली की अलग लाइन हमने करके और आप लोगों के घरों के अंदर देने का सबसे पहले काम किया। और मैंने ये कोशिश की जाने से पहले आप लोगों को 18 से 20 घंटे बिजली देने का काम किया। मैं ये सोच रही थी कि अगर 6 महीने और मिल जाते तो 24 घंटे बिजली आप लोगों को घरों के अंदर देती। इस सरकार ने आज ये स्थिति करके रख दी है कि जो ये बिजली आप लोगों तक आनी चाहिए थी वो शहर के अंदर बार बार ट्रिपिंग की वजह से, दो दो घंटे में बिजली गुल हो जाने की वजह से आज मुश्किल से 8 घंटे आप लोगों को मिलता है और वो भी ट्रिपिंग के साथ। मैं माता बहने और आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी आएगी तो सबसे पहले 24 घंटे घरेलू बिजली आप लोगों को घरों के मुश्किल काम नहीं है भाइयों, ये खाली इच्छा शक्ति की कमी है। जब 18 घंटे बिजली हम लोग दे सकते थे 2008 के अंदर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक इसको 24 घंटे बिजली तक क्यों नहीं पहुंचाया है इस कांग्रेस? इच्छा शक्ति नहीं है। और यहाँ अगर कोई किसान बैठे हैं तो मैं किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि 8 घंटे आपको 3 फेज बिजली कहीं मिल रही है खेतों में? मुश्किल से जो मेरे पास एक खबर आई है कि किसानों को बिजली 3.5 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ मिलती है। 3.5 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ, क्या ये सही है? मैंने पता किया तो अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है आप लोगों का तो वो ट्रांसफार्मर हम लोग 72 घंटे में आप लोगों को वापस दिया करते थे, ये 72 दिन में वापस नहीं आता है। और जब आता है तो जब तक आपने 10,000 रुपए की रिश्वत नहीं दी है तब तक ये आसानी से आपके घर नहीं लौटता है। एक नई चीज चालू कर दी है विभाग ने, ये VCR, आप लोगों के बीच में जाके VCR बना देना लोगों का। जहाँ पैसा बनाना है वहाँ लोगों का VCR बना दो। अगर आपके 2,000 रुपए का बिल है तो 20,000 रुपए हो जाएंगे और अगर 20,000 रुपए का बिल है तो वो 2,00,000 बन जाएंगे। मैंने सबको कह दिया है कि जिन अफसरों ने इस तरीके से गांव के गरीब लोगों के साथ अन्याय अगर किया तो उनको दंडित किया जाएगा और जो ये पैसा है वो सब लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि इस तरीके से किसी के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पता किया कि बिजली के अंदर ये सरकार हमारे लिए क्या करने जा रही है, तो सबसे पहले इनकी ये घोषणा थी कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर 75,000 कृषि कनेक्शन हम देंगे, परंतु दिए 13,000। ये कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव को विद्युतीकरण कराएंगे और किया सिर्फ उन्होंने 8 गांव। और इन्हें ये भी कह दिया कि इस वित्तीय वर्ष में 20,000 BPL परिवार को कनेक्शन देने का काम करेंगे और दिए सिर्फ 6,000। ये है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इतने सारे साल उनको देने के बावजूद भी इस गर्त में हमारी राजस्थान, हमारा प्रदेश और आप सब लोग पड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या स्थिति है और क्यों है? उधर देख लीजिए मोदी जी का। मोदी जी ने गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर कहां से कहां गुजरात को लेके छोड़ा है। आज तो दुनिया उनका दोहा मानती है, खाली अकेले आगे देश नहीं। मैं इसी तरह से कहना चाहती हूँ कि उधर आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर काया पलट हो गया मध्य प्रदेश का। और यहाँ
65 साल निकल गए, 65 साल में से 5 साल मेरे राज के निकाल दीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए, तो 53 साल लगातार हम लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया और कांग्रेस ने हमारे साथ इस तरीके से धोखा करके हम लोगों को गड्ढे में घुसा के 53 साल रखा। और मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा पाप जो किया है, इस बड़े पाप को हम लोग कोई नहीं भूल पाएंगे और आने वाले समय में उनको अपनी औकात दिखाते छोड़ेंगे, यह विश्वास में करके आप लोग। अभी मेरे पास आज भीलवाड़ा से मैं जब आ रही थी तो भीलवाड़ा में मुझे एक व्यक्ति मिला, उसके हाथ में एक डिब्बा था, वो डिब्बा लेके चल रहा था तो मुझे लगा इसका भोजन दोपहर का या दिन का भोजन उसमें है। तो अपने साथ जो लोग थे उनको मैंने ये कहा कि भाई इसको रोक के ये पता कर लो कि इसके ये डिब्बे के अंदर क्या है, कि भोजन में क्या खाते हैं जनरली लोग जो मेहनत करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, वो क्या भोजन करते हैं। तो मैंने उसको बुला के पूछा, सबने कहा ऐसा नहीं पूछना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं पूछेंगे। पूछा तो उसने बोला मेरे इसमें रोटी और मिर्ची। तो मैंने कहा भाई बाबा ये मिर्ची क्यों, उसमें क्यों नहीं अचार है। उसने कहा साहब मेरे नसीब में कहाँ अचार लिखा होगा, कौन डालेगा अचार मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है तो फिर आप थोड़ा सा उसकी चटनी धनिया की चटनी बना लेते और उसके साथ ले लेते। उन्होंने बोला नहीं धनिया की चटनी, अरे साहब मजाक कर रहे हो, आज धनिया 150 रुपए किलो हो गया है, ये मेरे मेरे फिर भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है धनिया तो छोड़ दो, तुम प्याज ही खा लेते उसके साथ। उसने कहा साहब आप तो और मजाक कर रहे हो, रोटी के साथ प्याज लिया करते थे पहले तो फिर भी हम खा सकते थे, परंतु आज प्याज 60 रुपए किलो हो गया है, आपके सारे गरीबों को कहां मिलता है। माता बहने मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग घर चलाते हो तो कैसे चलाते हो। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम लोग तो किस तरीके से जिंदा है हमें नहीं मालूम। आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गैस के लिए आप जाते हो, हमारे समय के अंदर आप लोगों को 260 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला करता और आप जितना भी गैस लेना चाहते थे आप आराम से ले सकते थे अटल जी के टाइम। अब आपको अगर आपको गैस की जरूरत है तो 9 से अधिक अगर सिलेंडर लेंगे तो 750 रुपए तो बोला जाता है, परंतु आप चले जाओगे बाजार के अंदर तो 1200 रुपए से नीचे तो मिलता ही नहीं है गैस का सिलेंडर, और ये सब माता बहने जानती है। आज ये गैस के सिलेंडर की स्थिति है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए डीजल की स्थिति। हमारे टाइम में 22 रुपए लीटर के हिसाब से डीजल मिलता था, अब आज बताओ भाइयों कितने का मिलता है, 55 रुपए प्रति लीटर का हिसाब है, और पेट्रोल 33 रुपए के हिसाब था हमारे टाइम में, और अब 75 रुपए पे पहुंच गया है। मैं तो ये कहती हूँ कि 75 रुपए ही है, अभी 25 रुपए और आप लोग झेल सकोगे, बोलने वाला नहीं हो। मैं समझती हूँ कि अभी तक तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो कांग्रेस ने अभी 2 रुपए बढ़ा ही दिए और उसके बाद उन्होंने 50 पैसे डीजल के बढ़ा दिए, और फिर चुपचाप से एक दूसरे को यही बोला कि ये जनता को तो कुछ समझ में आएगी नहीं, हर महीने 50-50 पैसे हम चलाते जाएंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, इस जनता के ध्यान में आएगी बात नहीं। उनको वाकई में लगता है कि ये जनता ऐसी भोली भाली है कि हम इससे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जनता ठीक है भोली भाली है, परंतु समय आएगा तो जनता भी याद रखेगी और जनता भी आप लोगों को छोड़ेगी नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जनता भी हंसते हंसते उसी तरीके से खिलवाड़ करके आपको देखती है। मैं कोई भी खुश नहीं। आप माता बहनों को देखो, आज उनके साथ कितने जोरदार अत्याचार हो रहे हैं, कोई माता बहन सड़क के ऊपर चल ही नहीं सकती। आपके जयपुर के अंदर आप देख लीजिए मूक बधिरों के साथ जो बेचारे सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते, ऐसी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए, तो किसी को बोल ही नहीं सकती हमारे साथ क्या हो रहा है। 9-9, 10-10 महीने तक उनके साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं को पुलिस महिला पुलिस को थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये भी किससे आप लोगों से छिपे नहीं है, सब लोग मालूम जा सकते हैं। लोग जानते हमारी महिलाओं के साथ हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ। अभी मैं रस्ते में आ रही थी तो एक ने मुझे कहा कौन सा बसवा गांव में बोले कि यहाँ तो 10-10 चोरी एक एक घर के अंदर हो रही है, जिस तरीके से हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कौन आएगा, कौन बचाएगा, कौन सुनेगा और कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा। मैं आज ये कहना चाहती हूँ हमारी महिला डरती है, अगर बच्ची स्कूल चली जाती है या कॉलेज चली जाती है तो ऐसा ऐसा दिल धड़कता है ना, धड़कता है कि नहीं, जब तक लड़की वापस घर नहीं आती है
कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई हो जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस परिवार के अंदर उसकी बहू और उसकी बेटी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो परिवार की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वो परिवार ही नहीं सुरक्षित रह सकता, क्योंकि उसकी बेटी उसकी बहू अगर उसके साथ ही खिलवाड़ है तो तुम किस बात के, तुम्हारा परिवार किस बात का। और आज मैं कहती हूँ कि जो मुखिया राजस्थान के परिवार का मुखिया अगर वो अपनी बहू और बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकता तो चुल्लू भर पानी में उसको डूब के मर जाना चाहिए। ये तो हमारे महिलाओं, ये महिलाओं के साथ हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ। मैं कह रही हूँ कि हमारे बच्चे, अभी तो मैं देख रही थी कि स्कूल के अंदर क्या स्थिति हो रही है। ज्यादातर जहां मैं गई हूँ वहां मैंने सब दूर यही देखा है कि हमारे स्कूल में 50% शिक्षक ही नहीं है, जो सब्जेक्ट टीचर है वो ही नहीं है। कहीं गणित नहीं है तो कहीं फिजिक्स नहीं है तो कहीं केमिस्ट्री नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे तो कहां से और कैसे पढ़ेंगे, मैं ये पता करना चाहती हूँ। और मैंने ये सबको कह दिया है कि बच्चे पढ़ेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे, आगे चलेंगे तो कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, और कल को उनको मौका मिलेगा तो अच्छा रोजगार भी मिलेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम वो बच्चे कर सके। मैं सब बच्चों को कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं कोर्ट के केस के अंदर आपको भागने की कोशिश की है। ये नया टेट का मामला है, इस टेट के मामले को हमने देखा है, समझा है, उसका प्रबंधन करेंगे। और प्रबंधन करके जिस तरीके से पहले आरपीएससी के द्वारा आप लोगों को नौकरी देने का काम करा करते थे, उसी तरीके से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाइयों। ये सब चीजों को आपको करना है, आपको बैठ के सबको तय करना है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इसकी चिंता आपको करनी नहीं है, चिंता बच्चों की हमारी है। हमारे किसानों को देख लो, आज हमारे किसान कैसे हैं, कितने दुखी है। या अगर कोई किसान भाई है तो मैं पूछना चाहूंगी, किसी को पाला ओलावृष्टि के अंदर मुआवजा मिला? मिला किसी को? किसी को 1,50,000 लोन बिना ब्याज के मिला? किसी को नहीं मिला। हल्ले को तो सुनने को मिलता है कि मुआवजे ने कमी नहीं छोड़ी, हमने तो बिजली के दाम भी कम कर दिए, हमने पैसे के बहुत अच्छे पैकेज बना के किसानों को दिया। परंतु हम जानते हैं कि वो किसान दर दर भटक रहा है, ना उसको पानी है, ना उसको बिजली है, ना उसको खाद है, ना उसको सही टाइम पे अच्छा बीज मिलता है। और जब वो फसल काट के ले जाता है बेचने के लिए तो उस फसल को अच्छे दाम नहीं मिलते है। जाएगा तो जाएगा कहां हमारा किसान? पहले महाराष्ट्र के किसान और उसके बाद आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या करते थे, आज राजस्थान का किसान भी आत्महत्या करने के ऊपर आ गया है, क्योंकि उसको ये सब कोई चीज जो मिलना चाहिए था आज नहीं मिल रहा है। आज ये किसानों की हालत है। तो न हमारी महिला खुश, न हमारे बच्चे खुश, न हमारे किसान खुश। और वो आपको हमने काम दिया था महानरेगा का, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो सब लोग, 13,000 करोड़ रुपए उस महानरेगा के ऊपर ये लोग खा गए। जब राजस्थान के अंदर हमारी सरकार थी तो महानरेगा में राजस्थान प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर एक था। 26 लाख लोगों को नौकरी मिली, 26 लाख लोगों को नौकरी मिली। और मैं कहती हूँ कि वो बीमारू प्रदेश को अगर हमने पैरों पे खड़ा करने का काम किया तो वो 26 लाख लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से परिसंपत्तियां बना के हमारी पार्टनरशिप करके हमारा साथ खड़ा होके राजस्थान को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया। आज 1 लाख लोगों से कम लोगों को नौकरी मिल रही है उस महानरेगा में, और सही टाइम पे कैसे भी नहीं मिलते उनको। और पैसे खाने का काम दोनों हाथों से सरकार ने कर दिया है। जितना पैसा इस सरकार ने खाया है मैं समझती हूँ कि किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया, इतना जोरदार राजस्थान के साथ धोखाधड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के दामाद को आप अच्छी तरह से जानते हो, नाम है उसका रॉबर्ट वाड्रा। वहीं से चालू हुई है बात। रॉबर्ट वाड्रा गए बीकानेर, बीकानेर के अंदर 10,000 बीघा जमीन उसको सस्ती में खरीदी और महंगी में बेची, और उसको देख के हमारे लोग भी लग गए। हमारे मुख्यमंत्री, उनके मंत्री बाईटू के अंदर पेट्रोलियम का वो आ रहा है, रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी अभी तक नहीं आई, परंतु बाईटू में जमीन के ऊपर बहुत धंधे हो गए, पचपदरा में धंधे हो गए, बाप में हो गए, पनोदी के अंदर हो गए, उन्होंने किसी चीज को छोड़ा नहीं है। खान में धंधे हो गए, होटल पे धंधे हो गए, आपके स्कूल के अंदर टीचर बनाने में धंधे हो गए, आपके लेक्चरर के धंधे हो गए। बचा क्या है माता बहने,
अपना जेब भर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद हमें कोई मौका देने वाला नहीं है, इसलिए दौड़ दौड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। माता बेटा भी बैठ जाओ, आपके अस्पताल के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आपका ये अस्पताल है जिसके अंदर 16 स्थान के अंदर मात्र 7 डॉक्टर हैं। कितने? 7 डॉक्टर हैं। और कहीं विषय विषय आपका कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है, तो मुफ्त इलाज और मुफ्त जांच हो रही है क्या? हो रहा है क्या? तो अखबार में पढ़ रहे हैं कि बड़े जोरदार तरीके से हो रहा है, पर मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो देखा है उसमें नहीं। आपके कर्मचारी को आप लोग देख लीजिए, कर्मचारी 11 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं, वो भी इस समाज और सरकार के एक अंग है। और मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री ने कम से कम उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए, बात अपने मत मानो पर सुन तो लो, और रास्ता कर्मचारी को प्रताड़ित करके नहीं, उनको विश्वास लेके ही निकलेगा। इसलिए जरूरी है कि उनके साथ बैठे बात करें और रास्ता निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उनका सही रहना वो राजस्थान के लिए भी बहुत जरूरी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि उनको करना चाहिए। अरे हमको दुनिया सुना रहे हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का राज होता है वहाँ आप लोगों का जोरदार बर्बादी होती है। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि बर्बादी तो वही हुई है जब कांग्रेस का राज रहा है, और वो आप देख लीजिए, खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि राजस्थान का जो विकास दर, राजस्थान का विकास दर अब बिहार के विकास दर से कम हो गया। विकास दर आपका राजस्थान का 5% और विकास दर आपके बिहार का 15%। कहाँ बिहार और कहाँ राजस्थान? और एक जमाने में राजस्थान का होता था और आज का है, ये आपको देखने की भी जरूरत है। आज मैं ये कहती हूँ कि एक नया राजस्थान हम लोगों को बनाना है, एक ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर हमारी महिला इज्जत के साथ चल सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे युवा अपने पैर पर खड़े हो सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे किसान मजबूती के साथ चल सके, एक ऐसा राजस्थान जो कोई भी हम नीचे नहीं, किसी से कम नहीं होगा, वो उस पद पे पहुंचने का काम राजस्थान करेगा। ऐसा राजस्थान हम लोगों को बनाना है। मैं 5 महीने के लिए नहीं बनाना चाहती, माता जी ने 5 महीने का राजस्थान नहीं है, ये राजस्थान बनेगा तो 5 साल के कार्य योजना के साथ बनेगा, ताकि आप लोगों का काम आगे हो सके। ये हम अकेले नहीं कर सकते, ये करना होगा तो आप लोग सबको करना पड़ेगा। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि बहुत सारा 36 साथ चले, हिंदू मुसलमान और सब मजहब एक साथ चले, जब आप लोग एक साथ चलोगे तो राजस्थान का विकास होगा। अगर राजस्थान का विकास होगा तो आप लोगों के सबके परिवारों का विकास होगा। आज 50 साल के बाद जब विकास ही नहीं हुआ है तो दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो आप लोगों को 5 साल की कार्य योजना के साथ सरकार देने को तैयार हूँ, परंतु मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि ये मेहनत करनी सबको पड़ेगी, मुझे अकेले को नहीं। तैयार हो? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले बार इतने मुश्किल से तो राजस्थान को खड़ा किया, और इस बार 10 साल पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है, इसलिए अगली बार हम लोग सबको कमर कस के खड़े हो जाना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ कि जब हम सब करेंगे तब राजस्थान नया बनेगा, एक ऐसा राजस्थान, राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान, राजस्थान को देखने के लिए दूर से लोग आएंगे। तैयार हो तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान। मैं आप लोगों को एक दूसरी बात थी, मैं सब लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, अफसर जो है वो कांग्रेस के एजेंट बनकर नहीं, जनता के सेवक बनकर काम करेंगे, ये विश्वास मैं करती हूँ। हम लोग भी उसी तरीके से मालिक बन के नहीं, आपके सेवक बन के आपके साथ चल के काम करेंगे, तो ये राजस्थान बनेगा। इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग समझेंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। Thank you.
कर रहे हैं।